नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 30 जनवरी को होने वाले समापन समारोह में जदयू ने शामिल होने में असमर्थता जता दी है। जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन ने पत्र लिखकर यात्रा में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने पत्र में वोखा नागालैंड में पार्टी के चुनावी अभियान का हवाला देते हुए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने से इनकार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और जिन संवैधानिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करें, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहता हूं, लेकिन मुझे खेद है क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत में मौजूद होना है। बता दें, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24 दलों को आमंत्रित किया है। इसी बीच जेडीयू ने यात्रा में शामिल होने पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया है, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल महीने से देना शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने आदिवासी पर्वों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम बघेल के इन ऐलानों को छत्तीसगढ़ में बड़े राजनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। राज्य सरकार की इन घोषणाओं को चुनावी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस साल के आखिर में राज्य के विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसकी कोशिश है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यहां की सरकार को बरकरार रखा जाए। आरएसएस ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की है। आरएसएस के 3 नेताओं ने एक दिन पहले मुस्लिम लीडरशिप से 3 घंटे तक बंद कमरे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी के हाल के भाषण और आरएसएस की इन तमाम कोशिशों के बीच में कोई कड़ी जरूर जुड़ती है। द हिंदू अखबार की 26 जनवरी को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं इंद्रेश कुमार, रामलाल और कृष्ण गोपाल ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के आवास पर मुस्लिम नेतृत्व के साथ 3 घंटे की बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में कुछ मुस्लिम संगठनों जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा हिंद के अलावा अजमेर दरगाह के सलमान चिश्ती के प्रतिनिधि शामिल थे। ये बैठक पिछले साल अगस्त में पिछली बातचीत की अगली कड़ी थी। उस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जंग के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, होटल व्यवसायी सईद शेरवानी, पत्रकार और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी से मुलाकात की थी। ये सभी लोग इस बार की बैठक में भी मौजूद थे। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएस महसूस करता है कि लगातार संवाद से देश में एक बड़ा पॉजिटिव संदेश जाता है और इसे समय समय पर भेजा जाना चाहिए। आरएसएस के तीनों नेताओं ने भागवत के हालिया इंटरव्यू के बारे में मुस्लिम में डर को दूर करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय की सर्वोच्चता की उग्र बयानबाजी के बारे में टिप्पणी की थी। दिल्ली के मेयर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय ने एक याचिका दायर कर दिल्ली मेयर का चुनाव समय पर कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कल शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर सकता है। बता दें, एमसीडी हाउस की 6 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर और अन्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए बैठक हुई थी। 6 जनवरी को बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्षदों के बीच सदन में मारपीट हुई, इसके बाद चुनाव टाल दिया गया। 24 जनवरी की बैठक में दोनों ओर से सदन में फिर से नारेबाजी और हंगामा हुआ, इसी आधार पर चुनाव फिर से टाल दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, आप मेयर पद के चुनाव से पहले सदन में हंगामा कर भाग रही है और अब अदालत जा रही है, जबकि कोई नहीं जानता कि फैसला आने में कितना समय लग सकता है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन किए जाने पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया में प्रेस की आज़ादी का समर्थन करते हैं और हम हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को उजागर करते आए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का समर्थन करते हैं, हम हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता को उजागर करते आए हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म और मान्यताओं को मानने की आज़ादी, मानवाधिकार, इस सभी से लोकतंत्र मजबूत होता है। ये वो बिंदु हैं जिनके आधार पर हम दुनिया भर के देशों से रिश्ते बनाते हैं। जाहिर तौर पर भारत के साथ हमारे रिश्ते में भी ये एक बिंदु है।
बता दें इससे पहले जब उनसे डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें डॉक्यूमेंट्री की जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत के साझा मूल्यों के बारे में जानकारी है जो यूएस और भारत को दो जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन शुरू किया गया। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्लेद फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। कर्तव्य पथ पर पहली बार मार्चिंग मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल परेड में शामिल हुआ। इस दल में 120 जवान शामिल थे। गणतंत्र दिवस परेड पहली बार कर्तव्य पथ पर निकल रही है। इसके अलावा सेना में भर्ती किए गए 6 अग्निवीर भी आज 26 जनवरी को इस परेड में नजर आए। इस साल पहली बार सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी के हिस्से के रूप में महिला दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया और कर्तव्य पर सलामी देते हुए आगे बढ़ी। गणतंत्र दिवस की परेड में देश के अलग अलग राज्यों की झांकियां पेश की गई। आज गुरुवार 26 जनवरी को जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है और राज्यों में वहां के राज्यपाल झंडा फहरा रहे हैं, ऐसे में तेलंगाना में अजीबोगरीब घटना हुई। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन के तमाम कार्यक्रमों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर गायब रहे। बता दें देश में ये परंपरा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति दिल्ली में और राज्यों में राज्यपाल सभी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री तो राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मुख्यमंत्री आमतौर पर अपना झंडारोहण का समय आगे पीछे रखते हैं और राज्यपाल के कार्यक्रम में जरूर शामिल होते हैं। शाम को होने वाले एट होम में भी सीएम को रहना पड़ता है। अब देखना है कि केसीआर आज गुरुवार शाम को एट होम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल के कार्यक्रम में सीएम का रहना एक परंपरा है, कानून नहीं है, लेकिन केसीआर ने गुरुवार यानी कि 26 जनवरी को उस परंपरा को तोड़ दिया है। हालांकि तमिलनाडु में जहां राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन में नहीं पड़ रही है, वहां स्टालिन कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार ने बुधवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। पद्म विभूषण के लिए 6, पद्म भूषण के लिए 9 और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए 91 गणमान्य लोगों को चुना गया है। जिन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है उनमें समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। उनके अलावा डॉक्टर दिलीप महल नवीस, एस एम कृष्णा, उस्ताद जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के नेता एस एम कृष्णा और दिवंगत समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को इस शीर्ष नागरिक पुरस्कार से नवाजकर नरेंद्र मोदी सरकार ने कई राजनीतिक अंक भी हासिल कर लिए हैं। एस एम कृष्णा चुनावी राज्य कर्नाटक में शक्तिशाली वोक्कालिगा समुदाय के नेता हैं। कृष्णा को इस पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके समुदाय में बीजेपी के द्वारा पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि मुलायम ओबीसी के बीच देश में सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं जिन्हें भाजपा लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा त्रिपुरा के आदिवासी नेता एनसी देव वर्मा को राज्य में मतदान से कुछ दिन पहले ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 60 सीटों वाले राज्य में 20 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कुल मिलाकर सरकार ने पद्म सम्मानों में भी राजनीतिक अंक हासिल किए हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अगर सरकार सच में मुलायम सिंह यादव को सम्मान देना चाहती है तो चीन की ओर से अतिक्रमण किया गया भूभाग वापस लाए। दरअसल बुधवार को द हिंदू ने एक रिसर्च पेपर के हवाले से रिपोर्ट दी कि पूर्वी लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट भारत की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और अनौपचारिक रूप से बफर जोन में तब्दील हो चुके हैं। इसी खबर को ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा, अगर बीजेपी सरकार दिखावे के बजाय श्रद्धेय नेताजी को सच में सम्मान देना चाहती है तो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया पूरा भूभाग वापस ले। नेताजी अपनी भारत भूमि से बेहद प्यार करते थे और चीन के खिलाफ उन्होंने सदैव हर सरकार को सतर्क भी किया और स्वयं रक्षा मंत्री रहते उन्होंने चीन को करारा जवाब दिया था। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस जारी कर शांति निकेतन में करीब 7.6 कट्टा जमीन वापस करने को कहा। इसको लेकर अमर्त्य सेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अचानक से इतना सक्रिय क्यों हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां यानी कि शांति निकेतन से भगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें विश्वविद्यालय का दावा है ये उनके परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा नहीं है।
वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने जोर देकर कहा है कि शांति निकेतन में उनके पास जो जमीन है उसमें से अधिकांश को उनके पिता ने 1940 के दशक में बाजार से खरीदा था, जबकि कुछ अन्य भूखंडों को पट्टे पर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ये मेरा आवास है जो 1940 के दशक में विश्व भारती से पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया था। जमीन हमें 100 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी। कुछ जमीन मेरे पिता ने सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए बाजार से खरीदी थी। बता दें, विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मालूम हो कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन सरकार की नीतियों के प्रति अपनी खुली राय रखने के लिए लगातार सुर्खियों में रहे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि 2024 का चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा नहीं होने जा रहा है, इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की खास भूमिका होगी। अमर्त्य सेन ने पिछले साल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, इस समय भारत के सामने सबसे बड़ा संकट राष्ट्र के पतन का है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वो देश में असाधारण विभाजन देख रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वापसी होने वाली है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी मेटा ने अकाउंट को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। मेटा के ग्लोबल अफेयर प्रेसिडेंट निक क्लेग ने एक बयान में कहा, जनता को यह सुनना चाहिए कि उनके राजनेता क्या कर रहे हैं। बता दें, साल 2021 में कैपिटल हिल पर हमले के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद से ही उनका अकाउंट सस्पेंड पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।